हर कदम पर नया मोड़ लेती कहानियाँ और कई अनसुलझे राज, और आप जानने के लिए बेताब रहते हैं कि अगले पल क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बेस्ट थ्रिलर के ड्रामा आज हम आपके लिए लेके आए हैं, तो चलिए के ड्रामे और लव के साथ शुरू करते हैं। द ग्लोरी ऑसम रिवेंज के ड्रामा द ग्लोरी कहानी है मून डोंग नाम की लड़की की, जिसका सपना बचपन में होता है आर्किटेक्ट बनने का। पर मून को हाई स्कूल में कुछ बच्चे बुरी तरीके से बुली करते हैं, जिसके कारण उसे अपना स्कूल छोड़ना पड़ता है। पर कई सालों बाद मून डोंग वापस आती है होम रूम टीचर के रूप में, और उन सबके अगेंस्ट रिवेंज प्लान बनाती है जिन लोगों ने उसकी स्कूल लाइफ बर्बाद कर दी थी। इस रिवेंज प्लान में डॉक्टर चियो जोंग भी उसका साथ देता है। ड्रामा में आपको बेहतरीन लव स्टोरी और एक्टिंग भी देखने को मिलती है। ट्विस्ट और टेंस से फुल इस मास्टरपीस के ड्रामा के एपिसोड है 16। फ्रेंड्स, आप इस के ड्रामा को नेटफ्लिक्स में भी देख सकते हैं। सेव मी थ्रिलर और मिस्ट्री का यूनिक कॉम्बिनेशन लिए सेव मी के ड्रामा कहानी है सैंगमी नाम की लड़की की। कहानी में हम देखते हैं सैंगमी और उसकी फैमिली एक नए अनजान शहर में रहने आ जाते हैं। इस अनजान शहर में उनका कोई अपना नहीं होता है, ना कोई फ्रेंड्स ना कोई रिलेटिव्स। इस नए शहर में स्कूल में सैंगमी की मुलाकात होती है 4 लड़कों से, पर सैंगमी और उसकी फैमिली के साथ कुछ ऐसा होता है कि उसकी लाइफ आ जाती है ट्रबल में। फिर वो इस ट्रबल से बाहर निकलने के लिए मदद मांगती है इन 4 लड़कों से। क्या ये 4 लड़के सैंगमी की मदद कर पाएंगे, ये जानने के लिए आपको ये मास्टरपीस के ड्रामा देखना होगा। ड्रामा में इन 4 फ्रेंड्स की फ्रेंडशिप को भी बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया है, और साथ में इस ड्रामे में आपको देखने को मिलते हैं अमेजिंग ट्विस्ट। इस ड्रामे की स्टोरी लाइन बहुत ही अमेजिंग है, और इस सुपर के ड्रामे के एपिसोड है 16। टर्नल, क्या एक टर्नल पास्ट और फ्यूचर को जोड़ सकती है? ऐसी टाइम ट्रेवल की कहानी आपको देखने को मिलती है के ड्रामा टर्नल में। कहानी में जासूस पार्क, जो साल 1986 के टाइम में एक क्रिमिनल को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसका पीछा करते करते वो एक टनल से होकर गुजरता है, पर टनल की दूसरी तरफ से वो पहुंच जाता है साल 2017 में। अब फ्यूचर में सब कुछ बदल चुका है, पर अचानक फिर से वैसी क्रिमिनल घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाती है जो साल 1986 में हुई थी। जासूस पार्क क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फ्यूचर के डिटेक्टिव किम सन और प्रोफेसर सिन के साथ मिलकर काम करता है। टाइम ट्रेवल और क्राइम थ्रिलर की इस यूनिक स्टोरी में आपको इमोशन भी देखने को मिलते हैं, और इस मास्टरपीस के ड्रामा के एपिसोड है 16। रिमेम्बर, दिल को छू लेने वाला के ड्रामा रिमेम्बर कहानी है एक पिता और बेटे की। इसमें एक बेटे के संघर्ष को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। कहानी में जिन वू को देखते हैं, जिसके पास होती है एक स्पेशल एबिलिटी, वो हर दिन की डिटेल को अच्छी तरीके से याद रख सकता है। उसकी मेमोरी पावर बहुत ही अमेजिंग है, पर जिनवू के फादर को किसी मर्डर केस में गलत तरीके से फंसा दिया जाता है, और अपने फादर को बेगुनाह साबित करने के लिए वो करता है सब कुछ। बाद में जिनवू अपने फादर को बेगुनाह साबित करने के लिए वकील बनता है, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अपनी याददाश्त भूलने लगता है। क्या जिनवू अपने पिता को जस्टिस दिला पाएगा, ये जानने के लिए आपको ये के ड्रामा देखना होगा। ड्रामा में सोशल इशू को दिखाया गया है कि कैसे करप्शन, धोखेबाजी, रिश्वत जस्टिस के रास्ते को मुश्किल बना देते हैं। साथ में ड्रामा में हमें लीड एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही औसम दिखाई देती है। ड्रामे की अमेजिंग स्टोरी लाइन इसको बना देती है मस्ट वॉच के ड्रामा, और इस औसम के ड्रामा के एपिसोड है 20। हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप के ड्रामा बियॉन्ड द ग्रुप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।